के पथरिया विकासखंड में हजारों प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला जारी है। हर वर्ष यहाँ पर ये पक्षी जून माह में आते हैं। यहाँ पर ये पक्षी जो हैं वो प्रजनन में रहकर बच्चों के पैदा होने के बाद नवंबर और दिसंबर में यहाँ से पलायन कर जाते हैं। सारस की तरह दिखने वाला ये प्रवासी पक्षी बरगद, पीपल, आम, इमली जैसे पेड़ों पर रहता है। गाँव के लोग इन पक्षियों की सुरक्षा भी करते हैं। इनके आने के बाद यहाँ आज तक अकाल की स्थिति नहीं आई है। ये पक्षी 1989 से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। साइबेरियन पक्षी भी 25 साल से यहाँ रहता है और गांव का रखवाली करता है, कीड़ा मकोड़ा को बचाता है। उसके रहने से संबंध रहता है और गाय से संबंध भी होता है, दुकान कभी भी नहीं पड़ा। ये पक्षी लगभग 30 वर्षों से यहाँ आ रहा है और ये साइबेरियन सारस के नाम से जाना जाता है। साइबेरिया से ये जून में आता है और यहाँ अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, उसके बाद ये दीपावली के आसपास चले जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहें स्वराज।